डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रचून ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम पढ़ रहे हैं बच्चों टेंस। विच टॉपिक वी डिस्कस? टेंस। कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों? टेंस। ओके, एंड टेंस के अंदर अब हम रिवर्जन तौर पे लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो दिस इज अवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वह है चुका है, चुकी है और चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। ओके, ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। और हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव फॉर्मूला। अच्छा बच्चों, अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज और हैव के साथ में नॉट लगा दो। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या फिर हैव नॉट। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज और हैव को आगे लाना है, हैज या हैव देन सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस मार्क कंपलसरी। क्वेश्चंस मार्क जरूर लगाएं, तभी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। ओके, हैज और हैज का प्रयोग किसके साथ में होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, सिंगुलर विच मीन एक वचन, सिंगुलर विच मीन एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा हैव, क्या आएगा? हैव। ओके, स्टार्ट टू राइट डियर स्टूडेंट्स, लिखना शुरू कीजिए। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। ओके, लिखिए। अब बच्चों बताओ सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही शी इट नेम, ही शी इट नेम सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल। ओके, एंड अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसकी बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा पहले, फिर पास्ट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, कंटिन्यू
us. Present perfect continuous tense. Tense means काल या समय. पहचान, ऑलरेडी यू नो, आपको पता ही है पहचान. तो राह है, रही हैं, रहे हैं और रहा हूँ. ओके. एंड नोट. नोट क्या है इसमें? समय. समय अवश्य आता है. समय अवश्य होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय अवश्य दिया हुआ है. अगर समय नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और समय दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. फॉर्मूला क्या है बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, ओके, या फिर हैव बीन. हैव बीन सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, या हैव बीन प्लस वर्ब में आई एन जी. सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन वर्ब में आई एन जी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम. ये है हमारा फॉर्मूला. अगर बच्चों नेगेटिव बनाना है तो हैज और बीन इनके बीच में नॉट लगा दो. हैज और बीन के बीच में क्या लगाना है? नॉट. सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन. हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस फॉर, फॉर या सिंस प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम. और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट विच में कर्म. फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये था नेगेटिव. और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो बच्चों क्या करेंगे? हैज और हैव को सबसे आगे लाएंगे. हैज या हैव देन सब्जेक्ट देन बीन. ओके, स्टार्ट टू राइट. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं. फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनाना है तो हैज के साथ में नॉट लगाओ, हैव के साथ में नॉट लगाओ, नेगेटिव बन जाएगा. इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज और हैव को सबसे आगे रखो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव. सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो हैज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा. फिर था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस टेंस की पहचाने रहा हैं, रही हैं, रहे हैं या रहा हूँ. नोट समय के साथ से शब्द अवश्य आता है. फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन वर्ब में आई एन जी फॉर सिंस प्लस टाइम. नेगेटिव बनाना है तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगाना, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएं. सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनेगा. और इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, तो हैज और हैव को सबसे आगे लाएंगे. हैज सब्जेक्ट बीन, हैव सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा बच्चों, फॉर का प्रयोग कब करते हैं? समय की अवधि के लिए. जैसे मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे.
देखो बच्चों, अगर मैं घंटे शब्द है, जैसे वह 2 घंटे से दौड़ रहा है तो फॉर, वह 2 बजे से दौड़ रहा है तो सिंस। घंटे शब्द है तो वहाँ हमें फॉर का प्रयोग करना है, और बजे शब्द है तो वहाँ हमें सिंस का प्रयोग करना है। ओके, तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा बच्चों, निश्चित समय है तो वह सिंस, और समय की अवधि है तो हमें फॉर का प्रयोग करना चाहिए। लिखिए डियर स्टूडेंट्स ऑल सेंटेंस इन द नोटबुक एंड लर्न। आपको प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट कंटिन्यूज के, प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस के सेंटेंस, फॉर्मूले, पहचान, कहाँ पे है जाएगा, कहाँ पे है आएगा, हमने इन सब वीडियो में आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। शो डियर स्टूडेंट्स रिवाइज ऑल द वीडियोज एंड लर्न ऑल द सेंटेंसेज, लर्न फॉर्मूले एंड राइट मैनी एग्जाम्पल्स अबाउट द अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले। फॉर्मूले के अनुसार आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं एंड लर्न, और उनको याद करना है। कोई भी वन सेंटेंस बनाए, जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, फिर ही इज स्लीपिंग, ही इज वीपिंग, ही इज लॉफिंग, ही इज जंपिंग, ही पे आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। वह खेले तो सी इज जंपिंग, सी इज प्लेइंग, सी इज लॉफिंग। यू है तो यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर प्लेइंग। आप इज आर एम पे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, हैज पे बना सकते हो, हैव पे बना सकते हो। केवल वर्ब चेंज होती है तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियोस को इंटरेस्टिंग के साथ में देखे सारा जो वर्क है वो कंप्लीट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट जो है कंपल्सरी, पेरेंट जो है वो बच्चों का ये ध्यान रखें कि बच्चे वीडियो के थ्रू जो वर्क आ रहा है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये नहीं कर रहे तो पेरेंट्स बच्चों को सजेशन दें कि वीडियो के थ्रू जो वर्क मिला है वो उनको नोटबुक में जरूर करें, और टाइमली पेरेंट्स जो बच्चों की नोटबुक देखें कि रियल में बच्चे ने वर्क किया है या नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, स्टे होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी एंड कंप्लीट द वर्क। सी यू नेक्स्ट वीडियोज़।